आज का दिन कितना बोरिंग लग रहा है, आज क्या करूं मैं। टीवी पे भी कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तेरे कोई दरवाजे पे है, मैं भी देख के आती हूँ। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम तनु है। मुझे दोस्त चाहिए था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। दोस्त चाहिए था तो मेरे पास आई हो? वो क्या है ना कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो बता दो ना, मैं तुम्हारी दोस्त बन गई ना, बताओ ना प्लीज। हाँ हाँ, कोई दोस्त ऐसे ढूंढता है क्या? अरे बाप रे, इसका हाथ तो इतना गोरा है और मेरा हाथ काला है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चलो अंदर। हाँ मुझे अंदर जाना है। अब गेट पे ही रखोगी अपनी फ्रेंड को क्या, या फिर अंदर भी लेकर चलोगी? हाँ हाँ आ जाओ। कैसी लड़की है यार, अजीब है। आ जाओ अंदर। आओ, घर तो काफी बड़ा और शानदार है। अरे इधर आ जाओ, उधर क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा घर देख रही थी, बहुत बड़ा है तुम्हारा घर। स्वीटी ये कौन है? ये मेरी न्यू फ्रेंड है। इतनी जल्दी तो फ्रेंड भी बना लेती हो? हाँ ये बस आई थी ऐसे ही, तो मैंने फ्रेंड बना लिया। अजीब लड़की हो तुम भी, किसी को फ्रेंड बना लेती है। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तनु है, मैं बहुत सुंदर हूँ ना। मैंने तुम्हारी शक्ल की तारीफ नहीं की है। बाय, मिलते हैं बाद में। दीदी का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही है, लेकिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब तुम देख लो, तुम कितनी सुंदर और अच्छी हो, और तुम्हारी बहन कैसी है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्वीटी को तनु के साथ पहले तो रहने में बहुत अजीब लगा, फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो चलो आज चले के हम मस्ती करने, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता है हम लोग छुपन छुपाई खेले? हाँ हाँ चलो चलो खेलते हैं, इनसे गेम बहुत पसंद है। तो बच्चों का गेम है? अरे बच्चों का कोई गेम नहीं है, हम बड़े हैं तो क्या हुआ, खेलने का कोई उम्र नहीं होता है, समझी। आ जाओ मेरी प्यारी दोस्त। दीदी को वो बहुत ही अच्छी लगती थी तनु, तनु के साथ वो हमेशा खेलती थी। लला लला मैं आ गई, बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ हाँ तो आज क्या खेलना है? आज तनु सोचने लगती है। अब तो इसका मुझ पे भरोसा भी हो गया है, अब इतने दिन हो गए हैं, अगर अब मैं चोरी करूँगी तो इस किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चोरी मैंने की है, क्योंकि ये तो सोचेगी ना कि इतने दिनों से ये है, तो उतने दिनों से तो चोरी नहीं हो रही है और आज से चोरी होने लगी। तो चलो आज क्या खेलते हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी और फ्रेंड को बुलाती हूँ और उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दूँगी कि वही जब से आई है तब से चोरियाँ हो रही हैं। पता है कल मेरी एक फ्रेंड आएगी। कौन सी फ्रेंड? क्या तुम उसके साथ खेलोगी? हाँ वो तुम्हारी जितनी अच्छी होगी तो उसके साथ ज़रूर खेलूँगी। तुम तो मेरी सच में बहुत अच्छी फ्रेंड हो, थैंक यू सो मच। ओके ओके, जाओ अपनी फ्रेंड को लेके आओ, ठीक है। देखो मुझे इस लड़की पे कोई भरोसा नहीं है, अगर घर में ये चोरी भी कर सकती है। अरे दीदी इतने दिनों से ये चोरी नहीं कर रही और आज चोरी कर लेगी ये। हाँ संभल के रहना, कोई लेके ना चली जाए। हाँ ये तो फालतू में ही। फिर तनु अपनी एक और फ्रेंड को लेके आ जाती है। ये देखो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ लगती तो है बट ये थोड़ा अजीब है। मुझे बुरा मत समझो, मैं थोड़ी सी गरीब हूँ लेकिन दिल की बहुत अच्छी हूँ, आपको मैं ज़रूर पसंद आऊँगी। हाँ हाँ तीनों साथ में खेलने लगे, बहुत मस्ती करते थे। तो वो नई लड़की आई तभी तनु मौका देखते हुए कुछ लेके चली जाती। भी तनु मौका देखती तब कुछ लेके चली जाती उसके घर से। काफ़ी दिनों तक चलता रहा। कौन, मैंने यहाँ नेकलेस रखा था, कहाँ गया वो? इधर तो था ये दोनों और एक और रखा था। हे भगवान, मेरे बहुत सारे चीजें नहीं मिल रहे हैं, कहाँ चले गए सब? हो गया स्वीटी, क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं दीदी। अरे क्या हुआ बता तो सही,
वो क्या है ना कि मेरे कुछ चीज़ें नहीं मिल रहे हैं। मेरा डायमंड नेकलेस क्या आपने देखा है? मैंने नहीं देखा है, अपनी दोस्तों से पूछो, कहीं वो तो नहीं लेके जा रही है ना। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो नहीं ले जा सकती है। देख संभल के रहना, और अगर अगली बार कोई चोरी हो गया तब तो मैं उन लोग से पक्का पूछूंगी, भला घर है या कुछ और। दीदी सही बोल रही है, तनु जब से आई है तब से तो कोई चोरी नहीं होती है। वो नई लड़की जिस दिन से आई है उसी दिन से मेरी सारी चीज़ें गायब होने लगे। वही शायद चुरा रही है, लेकिन वो कितनी मासूम दिखती है। शायद वो अपने मासूम चेहरे के पीछे कोई चोर वाला चेहरा छुपा रखी है। उस पर नज़र रखना पड़ेगा। अगले दिन से और उसकी बहन ने अपने पूरे घर में कहीं कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अब तो वो चोर पकड़ी जाएगी जो भी हो। हाँ सही, तेरा आइडिया सही है। मजा आएगा, अब देखते हैं वो लड़की कैसे चुराती है मेरा सारा सामान। मैं तनु और उसकी दोस्त को पता भी नहीं था। आज छुपा छुपाई खेलते हैं। हाँ चलो चलो, मजा आएगा आज तो। दोनों छुपो, मैं जाके हूँ ना तुम लोगों को ढूंढ लूंगी। ओके हाँ हो स्वीटी, क्या तुम इधर हो? इधर हो क्या? इस रूम में तो लगती है कि नहीं है। अब आज क्या ले जाऊं? नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ एक और ये वाला नेकलेस भी ले लेती हूँ। मजा आ गया, अब मैं इनको कहीं छुपा लेती हूँ और उसको बोलूंगी कि मैं अब जा रही हूँ घर पे। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, मैं जा रही हूँ घर पे। ठीक है ठीक है, बाय बाय। नाटक तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। मुझे अनु को बता देना चाहिए था कि मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया है और उस लड़की को पकड़ने में मदद भी करती। वैसे देखती हूँ उस लड़की ने आज क्या चुराया है। फिर तनु जो देखती है उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। ये नहीं हो सकता, इसमें तो तनु नहीं चुराए हैं मेरे नेकलेस। हे भगवान, यानी कि तनु ही चोर है। उस लड़की पे ऐसी शक कर रही थी। क्या कौन चोर है? तनु। देखा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो तनु चोर है, फिर भी तुम तो मेरी बात मानती नहीं हो। बड़ी बहन का तो कोई सुनना नहीं है तुम्हें। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। हाँ अब जाके उसको सच बता और उसको दोबारा घर में कभी मत आने देना, समझी? हाँ ठीक है। अगले दिन जब तनु आती है तो उसको वो वीडियो दिखाती है। बताओ तुमने चोरी की होगी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो ऐसे दोस्त अमीर लोगों को बनाती थी और उनके घर से कुछ ना कुछ लेके जाती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है और मेरे पास कुछ खाने को पैसे भी नहीं है। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, हम तो अमीर है, कुछ पैसे तुम्हें भी दे देते, लेकिन ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई मदद नहीं मिलेगी, चली जाओ यहाँ से। दीदी ऐसा मत करो प्लीज। हाँ चली जाओ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें सच्ची दोस्त माना था और तुम मेरे घर पे चोरी करने के लिए बस आई थी। वहाँ से रोते रोते चली जाती है। बहन ऐसे दोस्तों से सावधान रहना। ठीक है दीदी। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी ऐसी दोस्ती कभी मत करना, ठीक है? जो आपकी दोस्ती के लिए नहीं, बस चोरी करने के लिए आपके धन पे वो नज़र रखती हो। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।